फैक्ट्री रिसल का है, इसका मॉडल नंबर है CCH8120। इसमें दोस्तों एक अलग ही प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉक्स चालू हो रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ, चालू वीडियो भी आ जाएगा। और जो इसमें प्रॉब्लम है वो आप देख के आ रहा है, देखिए देखिए दोस्तों, ऐसे ही लिख के आ रहा है STB एंट्रिंग स्टैंड बाय प्लीज वेट, मतलब कोई एक इसका जो कीपैड होता है वो स्पार्क हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है, यहाँ पे देखिए लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंडीशन में हम बॉक्स कैसे ठीक करेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि देखे दोस्तों, ये हल्का इसमें पानी पड़ा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें हल्का सा पानी पड़ा हुआ है, इसके लिए भी हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा हो। तो पहला हम जो दोस्तों इसका काम करेंगे वो हम करेंगे वॉश, क्योंकि इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम थीना डाल के हल्का सा वॉश करेंगे। तो क्या कुछ दोस्तों हमारे कमेंट में करते हैं कि सर आप जैसे बताते हैं कोई कोई बॉक्स होते हैं और कोई कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही हमें वो हल्का हल्का वॉश करेंगे, ज़्यादा नहीं। और जो थोड़ा CPU है और फ्लैश IC है, यही सब दोस्तों थोड़ा सा हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये जो हीट करेंगे नहीं तो इसके अंदर हमारा जो थीनर होता है या पानी होता है वो जमा रहेगा, तो इससे CPU हमारा या फ्लैश RAM या तीनों में से कोई भी एक ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से गर्म कर देंगे। तो दोस्तों अभी हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, अब थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हल्का सा तब तक ठंडा होएगा तब तक हम वायर को लगा के रखते हैं। और अभी हम दोनों दोस्तों ये भी लगाएंगे और हम पहला वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों इसका। जैसे कि हमारा जो पहला बोल्ट होता है इसमें दोस्तों, ये देखिए हमारा 12 बोल्ट होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ होने के बाद से जो हमारा, ये देखिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया गया है जो 1.567 के लिए रहेगा, 5 देखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ होने के बाद से हमारा जो मेन रहेगा दोस्तों वो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा जो रहता है दोस्तों यहाँ पे रहता है। तो आज मैं आपके सामने इस विषय को बहुत दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा जो सबसे पहला आता है ये हमारा 5 वोल्ट होता है दोस्तों। उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे जो लगाया गया है, एक IC लगाया गया जो हमारा 1.1 के लिए रहता है। ये IC से 5 वोल्ट होता है दोस्तों, ये IC से 1.1, और जो ये IC है ये हमारा 3.3 के लिए दोस्तों। तो इतना क्लियर होने के बाद अभी देखिए दोस्तों, जो प्रॉब्लम था एक्चुअली ये CPU से ही था, क्योंकि इसमें अंदर लिक्विड पड़ा था या कोई तो पानी पड़ा था, इसकी वजह से देखिए ये ऑटोमेटिक है आ रहा था। और अभी देखिए दोस्तों चालू हो गया है, तो कभी कभी दोस्तों आता है, यहाँ से भी प्रॉब्लम सेम आता है, ये प्रॉब्लम आते ही दोस्तों है कभी कभी, तो उसके लिए हम आपको बताए थे फेस करने का। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें से स्विच, जैसे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ये बॉडी को उठाएंगे और बॉडी में देखेंगे पावर चैनल माइनस चैनल प्लस। तो जो हमारा अभी प्रॉब्लम आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारा, कि ये ऑटोमेटिक बंद हो रहा था, मतलब ये बटन वर्क कर रहा था, ठीक है दोस्तों। ये बटन हमारा CPU से भी वर्क कर रहा था, बट अभी जो मतलब कभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो देखिए ये बटन होता है जैसे, मतलब ये सबसे नीचे का, इसको आप निकाल के और दूसरा चेंज कर दीजिए दोस्तों, तो ये 100% दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी दिखाया दोस्तों कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो था दोस्तों CPU से, जो हमारा स्विच से तो नहीं था दोस्तों, और ये था स्विच CPU से। तो दोस्तों हमारा अभी तक तो
बहुत ही अच्छा वर्किंग हुआ, जिससे नॉर्मली फॉल्ट में ही आपका काम हो गया है। तो दोस्तों हमारा हमारा वीडियो ऐसा आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।